हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। तो मैं अगेन एक छोटे से वीडियो के साथ आप लोग के साथ हूँ, जो आपको अगेन अपनी मंजिल तक पहुँचने में एक कदम और आगे लेके जाएगा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। आज का जो मेरा ये सेशन है, इसके अंदर आप लोगों ने सब क्वेश्चन प्रैक्टिस, करंट में भी आप जब करते हो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप सभी करते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाते होंगे, आप जहां पर भी पढ़ते हैं आपको टीचर्स अपने टारगेट देते होंगे, लेकिन आप हमेशा नॉर्मल तरीके से कि बस आज यार ये होमवर्क मिला है या फिर आज मुझे मॉड्यूल लगाना है, आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए और ये आपको किस तरीके से आगे जाके हेल्पफुल होगा, और जो बच्चे इस तरीके को अडॉप्ट करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या करना है। बच्चे आप मान लीजिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जिसका भी मेक इन अ हैबिट, आप जब कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले तो आप हमेशा एक टाइम लिमिट सेट करेंगे अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। वो आपको पता है कि यार भाई इतने घंटे का पेपर होता है तो बायोलॉजी में कम समय चाहिए मुझे, फिजिक्स में इतना। अकॉर्डिंगली आप टाइम लिमिट के तहत जैसे आप टेस्ट पेपर देते हैं ना, उसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, क्योंकि आप पहली बार अगर वो मॉड्यूल लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कहाँ टफ क्वेश्चन डाला हुआ है, कहाँ ऐसा आप मान लो 100 क्वेश्चन लगा दें, तो आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे 100 क्वेश्चन के लिए इतने मिनट्स में ये क्वेश्चन किसी भी हालत में प्रैक्टिस करने हैं। वो टाइमर के साथ आप चलेंगे तो आप ना टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा लेंथी अटकने वाला होगा तो आप पहले स्किप कर जाओगे गोला लगा के कि यार मैं अगली बार में देखूंगा इसको, मेरे को पहले टाइम के अंदर अंदर खत्म करना है। तो एक तो आपका इससे स्पीड इंक्रीज होगी, आपका जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बढ़िया होंगे। एक तो हमेशा टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अगर वो टाइम लिमिट तक आप उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको करना पड़ेगा कि मुझे मेरे टेक्निक में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जिस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा समय लगाया, जिस वजह से मैं इस समय में मैंने जो टारगेट दिया था मैं पूरे क्वेश्चन को ही अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है मैं उन्हें लास्ट में देखूंगा, अगर होंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो एक तो ये चीज़, ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, हम भले ही आपको एग्जाम से एक दिन पहले ये समझाएं, लेकिन अगर आपने इसकी साल भर प्रैक्टिस नहीं की है तो आप अपनी आदत से मजबूर होते हो, आप ना चाहते हुए भी वही गलती वहां दोहराते हो। तो इसीलिए इसकी आदत हम साल भर की प्रैक्टिस से डालेंगे। मैंने तो हर बार ही क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही किया है। तो एक तो टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, दूसरी चीज टेस्ट की तरह ही देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स का एक क्वेश्चन लगाया, फिफ्थ क्वेश्चन पे अटके, आंसर कुछ और आया, आंसर की देखी, अरे हाँ हाँ हाँ, तुरंत दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाता है, हाँ ठीक है आ गया क्वेश्चन। नहीं करना, क्योंकि बिना आंसर देखे हमें जब चीजें पता लग जाती ना, हाँ यही सही है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। आपने टाइम लिमिट के अंदर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, सारे एक साथ करने के बाद ही आंसर की मिलानी है, उसके पहले नहीं कि यार ये क्वेश्चन में अटके, मैं पहले आंसर देख लूँ और फिर उसके हिसाब से हम फिर सॉल्यूशन बना लेते हैं। अदरवाइज आप अपनी कमजोरियों को ही नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये हरकत कभी नहीं करनी, टेस्ट की तरह ही देना है। फिर अब जब आपने पूरा पेपर दे दिया, सारे आंसर्स लगा लिए, अब आप जब चेक करने बैठे तो कुछ आंसर्स गलत निकलेंगे, तब वहां पर सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। तो पहली बात तो जो जो क्वेश्चंस गलत हुए, कोई भी एक पर्टिकुलर सिंबल्स रिप्रेजेंट कर लेना, गोला लगा लो, ट्राइंगल लगा लो, किसी पर डॉट कर दो बड़ा सा, तो गोला उस पर कि मैंने पहली बार जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो मेरे से ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो उन सब क्वेश्चन पे गोला मार दो, ठीक है। अब गोले के साथ डॉट कोई भी तुम अपना सिंबल ले सकते हो कि मैंने, लेकिन जब आंसर की देखी तो अरे यार होता है ना कुछ क्वेश्चन, अरे यार हाँ 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 आंसर बन गया, तो गोले के साथ डॉट कि मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर देखते ही समझ में आ गया इसका ये आंसर क्या था। फिर दूसरा तरीके का सिंपल, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि तुमने तुम्हारे नोट्स भी छान लिए, तुमने बुक्स की भी हेल्प ले ली, लेकिन तुमसे वो क्वेश्चन तो भी नहीं ला, तुम्हें उसके लिए तुम्हारे टीचर की ज़रूरत लगी, तो उस पर ट्राइंगल मार्क करोगे गोले के साथ कि ये मुझसे पहली बार में हुआ भी नहीं था और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ी इसको सॉल्व करने में, ट्राइंगल मार्क उस क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे, मेरे ही कॉन्सेप्ट में गड़बड़ाहट थी मैम, बायोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था भूल गया, याद ही नहीं रहा, बाकी क्वेश्चन इजी था मुझे याद नहीं रहा, उस पर कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर मार्क कर दिया, ये मार्किंग्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप कभी बैक पोर्शन में से करोगे, पहली बार जब बैक पोर्शन रिवीजन उस टॉपिक का कर रहे होंगे, तो आप गोले वाले तो वो क्वेश्चन थे जो पहले अटेम्प्ट में गलत हुए ही हुए थे, उन सारों क्वेश्चंस को भी करोगे
गोले के बाद पॉइंट उस पर जो आपको चमक गया था, तो आप जब उन क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपको वो एक दो राउंड्स के बाद गोले के साथ जो पॉइंट है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार में गलत हुए लेकिन आंसर की देखते समझ में आ गए, दूसरे राउंड में वो आप ओवरकम कर जाओगे। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आपको जो आपको किसी की ज़रूरत लगी थी अधिकतर अटकाएंगे, और जो स्क्वायर लगाया है आपका कोई भी सिंबल हो सकता है, वो क्वेश्चन जो आपने कहा अरे यार ये कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं था, अगर आप बार बार दो से तीसरी रिवीजन में भी उन्हीं क्वेश्चंस पर अटक रहे हो, तो क्या करना है, जो पहले सेशन में बनाया था, लिखो पॉइंट दीवार पे चिपकाओ, और वही सोने से पहले, उठते से ही, और खाना खाने के समय, और एक हाथ बार, और तीन चार बार, बिना किसी स्पेसिफिक टाइम को निकाले। ये टाइम ऐसा है जो हम वैसे भी वेस्ट करते हैं, उन चीज़ों से जाऊंगा तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो पहली चीज़ तो क्या, जब आप इस चैप्टर को खोलोगे ना, तो आपकी सारी गलतियाँ एक साथ हैं। दूसरी चीज़, उन गलतियों को ओवरकम आप कर चुके होंगे दूसरे और तीसरे रिवीजन में, तो आप अपनी सारी गलतियों को अगर आप ओवरकम कर लेंगे, तो आप ऑलरेडी अपनी मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये मार्किंग्स हर बच्चे की शीट में होनी चाहिए, चीट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया साफ सुथरी सुंदर किताबें, खाली एकदम, गोला ट्राइंगल, गोले के साथ डॉट, स्क्वायर की मैं यहाँ 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 गड़बड़ करता हूँ, जिससे कि जब बाद में बैक पोर्शन रिवीजन की बारी आती है ना, तो जो क्वेश्चन पहली बार में हिट हो रहे हैं ना, वो तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गोले वाले ट्राइंगल वाले स्क्वायर वाले चैप्टर करें, हाँ ये पूरा चैप्टर ऑन टिप हो गया। तो ये काम ज़रूर करें। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जिस भी तरीके से, और लेकिन ये, और ये जो मैंने बताया ना कि टाइम लिमिट के साथ, बेटा कितना भी मैं आपको टिप्स दे के भेजूँ ना कि नीट के एग्ज़ाम के पहले फिर राउंड्स में सॉल्व करना और ऐसे करना, वहाँ हमारी साल भर की जो आदत पड़ी हुई है ना, हम उसी पर काम करते हैं फिर, तो इसलिए यह हैबिट हम पहले दिन से ही डेवलप करेंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी आज की इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे, अब से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट्स को चेंज कर देंगे। सी यू इन अनदर वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।